वेलकम बैक स्टूडेंट्स, टुडे आई शैल टीच यू कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स एंड एडजेसेंट एंगल्स। बच्चों, आज हम आपको बताएंगे चैप्टर 5 लाइंस एंड एंगल्स में कम्प्लीमेंट्री एंगल्स, सप्लीमेंट्री एंगल्स और एडजेसेंट एंगल्स के बारे में बताएंगे। इसको ध्यान से समझिए। रिलेटेड एंगल्स में सबसे पहले हम बात करते हैं कम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में। टू एंगल्स हैविंग द सम ऑफ मेजर्स 90 डिग्री आर कॉल्ड कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ईच एंगल इज सेड टू कम्प्लीमेंट ऑफ द अदर। यदि टू एंगल्स का सम कितना हो 90 डिग्री, यदि टू एंगल्स का सम कितना हो 90 डिग्री, तब हम क्या कहेंगे, इसको कहेंगे कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ देखिए, यहाँ पर टू एंगल्स हैं, एंगल ए ओ बी, एंगल पी क्यू आर। एंगल ए ओ बी कितना दिया है 40 डिग्री, एंगल पी क्यू आर कितना दिया है 50 डिग्री। अब देखिए, एंगल ए ओ बी प्लस एंगल पी क्यू आर इजक्ल टू कितना होगा 40 डिग्री प्लस 50 डिग्री इजक्ल टू 90 डिग्री। ठीक है, इसीलिए एंगल ए ओ बी और एंगल पी क्यू आर को हम क्या कहेंगे, कम्प्लीमेंट्री एंगल्स। क्यों? क्योंकि दोनों का सम कितना है 90 डिग्री। ठीक है, यदि मान लीजिए इसमें से एक एंगल का मेजर यदि मान लो P डिग्री है, तो इसका जो कम्प्लीमेंट होगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री माइनस P डिग्री। या ये एक का मान लो P डिग्री है तो इसका कम्प्लीमेंट कितना होगा 90 डिग्री माइनस P डिग्री। ठीक है, मतलब 90 में से उस एंगल को क्या करेंगे, एंगल का जो मेजर है उसको 90 डिग्री में से माइनस कर देंगे तो कम्प्लीमेंट निकल जाएगा। ठीक है, अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल्स। टू एंगल्स हैविंग द सम ऑफ मेजर्स 180 डिग्री आर कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल्स। दो एंगल्स का सम यदि 180 डिग्री हो तब हम क्या कहेंगे इसको, सप्लीमेंट्री एंगल्स। यहाँ देखिए, ए ओ सी कितना दिया है, एंगल ए ओ सी इजक्ल टू 50 डिग्री, एंगल सी ओ बी कितना दिया है 130 डिग्री। तो एंगल ए ओ सी प्लस एंगल बी ओ सी इजक्ल टू 50 डिग्री प्लस 130 डिग्री इजक्ल टू 180 डिग्री। दोनों एंगल का सम कितना हो गया 180 डिग्री, इसीलिए एंगल ए ओ सी एंड एंगल बी ओ सी आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर, दोनों का सम कितना हो गया 180 डिग्री, इसीलिए दोनों एंगल्स क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल्स। क्लियर, अब देखो यदि मान लो इसमें से यदि एक एंगल का मेजर मान लो P डिग्री है तो सप्लीमेंट का कितना होगा मेजर, तो 180 डिग्री माइनस P डिग्री। देखो, इफ़ एन एंगल हैज मेजर P डिग्री देन इट्स सप्लीमेंट इज 180 डिग्री माइनस P डिग्री। मतलब सप्लीमेंट निकालना है तो क्या करो, 180 में से उस एंगल को क्या करो, तो एंगल के मेजर को माइनस कर दो। क्लियर, अब जानिए एडजेसेंट एंगल्स के बारे में, इसको ध्यान समझिए। टू एंगल्स आर कॉल्ड एडजेसेंट एंगल्स इफ दे हैव ए कॉमन वर्टेक्स। कॉमन वर्टेक्स, दे हैव ए कॉमन आर्म, कॉमन आर्म, कॉमन वर्टेक्स पॉइंट ओ, कॉमन आर्म ओ सी। द अदर आर्म ऑफ टू एंगल्स इन on one side of the common arm and that of the other is on the opposite side। यहाँ देखिए, यहाँ पर जो है ए ओ सी और बी ओ सी ये एडजेसेंट एंगल्स है। ए ओ सी बी ओ सी, एंगल ए ओ सी एंगल बी ओ सी क्या है, एडजेसेंट एंगल्स है। क्यों? क्योंकि दोनों का जो कॉमन आर्म है वो क्या है, ओ सी है, और कॉमन वर्टेक्स क्या है, पॉइंट ओ।
कॉमन वर्टेक्स क्या है, पॉइंट ओ, देखो ए ओ सी ओ आया, बी ओ सी ओ आया, तो कॉमन वर्टेक्स क्या हो गया ओ, और इसका कॉमन आर्म कितना हो गया ओ सी, इसीलिए ए ओ सी और एंगल ए ओ सी या एंगल बी ओ सी क्या है, तो एडजेसेंट एंगल्स है। क्लियर, नेक्स्ट वीडियो में इससे आगे बताएंगे। थैंक यू।